डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम प्रोटोस्टोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टोम्स क्या हैं सबसे पहले हम देखेंगे इनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं प्रोटोलफ़ का मतलब है पहले स्टोम्स का मतलब है माउथ यानी वो जानदार जिनके अंदर सबसे पहले माउथ अपीयर हुआ और माउथ की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई माउथ की डेवलपमेंट नॉर्मली एक ओपनिंग से स्टार्ट हुई जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर इस ब्लास्टोपोर ओपनिंग से सबसे पहले जिन जानदारों में माउथ स्टार्ट हुआ उनको हमने एक ग्रुप का नाम दे दिया जनरली उनको हम कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। proto प्रोटोस्टोम्स के अंदर कुछ फाइलम एनिमल एनिमल्स के इंक्लूडेड हैं इन फाइलम में है प्लेटिहेलमथिस नेमाटोड्स मोलस्क एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारे के सारे जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटोस्टोम्स अब प्रोटोस्टोम्स के अंदर सिलोमिक कैविटीज़ प्रेजेंट है लेकिन इनका नंबर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट है इसके अलावा साइपनकुलेंस और एकी के अंदर बॉडी कैविटीज जो हैं उनकी तादाद सिर्फ दो है अब एकीयुरेंस जो हैं इनमें क्या है कि एक पार्टीशन जिसको हम सेप्टम कहेंगे वो अपीयर होगा और उसकी वजह से बॉडी कैविटी दो में डिवाइड हो जाएगी एनिलिड्स के अंदर सिंगल सिलोम मौजूद है लेकिन ये भी एक सेप्टा की मदद से डिवाइड हो जाएगा अब जनरल फीचर्स इसके क्या हैं कि इसके अंदर जयगोड है जायगोट के अंदर रिपीटेड सेल डिवियज होंगी उसको हम कहेंगे क्लीवेज अब क्लीवेज की भी मुख्तफ इकसाम है एक है स्पायरल क्लीवेज अब स्पायरल क्लीवेज के अंदर जो आ, आफ्टर रिपीटेड सेल डिवियन्स जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल अब माइटोटिक स्पिंडल जो है वो ओब्लिकली एक्सिस के ऊपर अरेंज करेगा अब इस ओरिएंटेशन की वजह से क्या होगा जाइगोड uh, जो है वो सिंगल सेल है रिपीटेड सेल डिवीजन होगी पहले दो सेल्स बनेंगे चार सेल्स बनेंगे आठ सेल्स बनेंगे और ए, जब ये एट सेल्स होंगे तो इसमें सेल्स अपने आप को टायर्स की शक्ल में अरेंज करेंगे फोर सेल्स ऊपर आ जाएंगे फोर सेल्स जो है वो नीचे आ जाएंगे यानी एक ट्विस्टिंग हो जाएगी कि अपर और लोअर सेल्स के अंदर डिमार्केशन हो जाएगी अब इस प्रोटोस्टोम्स का सेकेंड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है वो है इसके अंदर क्लीवेज इज डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट का मतलब है कि क्लीवेज के बाद हर सेल जो है उसकी फेट डिसाइड हो जाएगी कि किस सेल ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बनना है किस सेल ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनना है यानी अर्ली डेवलपमेंट में हर सेल जो है अपना रोल इस्टेब्लिश कर लेगा इस तरह से जो सेल्स होंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और सीलिया डेवलप कर जाएंगे मल्टी सेल्स बन जाएंगे इसके दूसरे करेक्टरिस्टिक्स में गट ट्रैक्ट जो है यानी गट की अपीरेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगी बहुत सादा जो प्रोटोसो प्रोटोस्टोम्स हैं इनके अंदर एक टिपिकल लार्वा डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा अब ट्रोकोफोर लार्वे के बाद जो मीजोडर्मल टिश्यूज़ हैं वो भी ब्लास्टोपोर से ही डेवलप करेंगे और सिलोम्स जो है इसके अंदर जो उसकी औरजन होगी दैट इज़ नोन एज शीजोसिलिक सिलोम और शीजोसिलिक सिलोम में मिजोडर्मल सेल्स जो है ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एंड देन दे डेवलप इनटू सिलोमिक कैविटी दिस इज द प्रोटोस्टोम्स यहाँ पे ये यह आप देखें आर्ट जेल स्टेडियम स्पाइरल फंक्शनिंग है इसके बाद गैस्ट्रुलेशन है गैस्ट्रुलेशन में सेल्स अपने आप को लेयर्स की शक्ल में अरेंज करेंगे अब जब सेल्स लेयर्स uh, में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडम मीजोडम है और बड़ी एक कैविटी डेवलप हो रही है जिसको हम कहेंगे आर्केंट्रोन आर्केंट्रोन के बाद साइट में पॉकेट शेप सिलोम प्रेजेंट है लेकिन जब इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे एनस और माउथ की डिमार्केशन जो है दैट इज़ नाउ एट टू एंड्स तो प्रोटोसोम्स के प्रोटोस्टोमिया या जनरल करेक्टरिस्टिक्स में आप देखें माउथ की बिगनिंग जो है दैट इज यूजुअली कंप्लीटड